الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह के नाम से शुरू जो सब पर मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे नाम बताने वाले हैं जिनको इस्लाम में रखना मकरूह ही नहीं बल्कि हराम है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन नामों के बारे में आप जान लें और आपके घर में या आपके किसी रिश्तेदार में किसी का नाम इन नामों में से कोई नाम रखा हुआ है तो आप आज ही उसके नाम को फौरन बदल दें, क्योंकि इन नाम वालों की बख्शिश नहीं होगी। और दोस्तों, मेहरबानी करके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लोगों तक, और भी मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिली गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से होता ये है कि वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं और ये लोगों को ज़्यादा दिखाई जाती है। दोस्तों, इंसान की शख्सियत के पीछे नाम का किरदार होता है, यानी कि इंसान का जिस तरह का नाम होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको उसी हिसाब से मकाम अता करेगा। मगर बहुत से लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं और वो कुछ सोचे समझे बगैर ही अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं। ना वो उन नामों का मतलब देखते हैं और ना ही वो जायज़ और नाजायज़ को देखते हैं, और वो उसके बाद वो रोना रोते हैं कि हमारा बच्चा ख़राब हो गया है, हमारा बच्चा अजीब सा हो गया है। अब उन्हें कौन बताए कि जब आपने उसका नाम ही इस तरह का रखा है तो फिर वो काम भी उसी हिसाब से करेगा। इसलिए अगर आप भी अपने बच्चों का कोई नाम रख रहे हैं तो आप नाम के साथ साथ आप उस नाम का मतलब भी जान लें, उसके बाद ही आप उसका नाम रखें, क्योंकि हर नाम का अलग अलग मतलब होता है। अगर आप अपने नाम का मतलब नहीं जानते हैं और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक बताला हम कोशिश करेंगे आपके नाम की मतलब बताने की। तो दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों, अपने नामों के मायने देखा करो, क्योंकि नामों से ही इंसान की बख्शिश होती है। तो दोस्तों, हम आपको 11 ऐसे नाम बताने वाले हैं जो इस्लाम में मकरूह ही नहीं बल्कि पूरी तरह से हराम और नाजायज हैं, और इनके नाजायज होने की वजह इनके मायने हैं, यानी कि ये नाम अपने मतलब की वजह से इस्लाम में हराम करार दिए गए हैं। इसलिए ये नाम किसी भी मुसलमान को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, और अगर किसी ने ये नाम भूल से रख भी लिया है तो उसे चाहिए कि आज ही अपने नाम को बदल दे। तो दोस्तों, ये हैं वो 11 नाम जो इस्लाम में रखने हराम हैं। नंबर 1, अब्दुल शम्स। दोस्तों, पहला नाम है अब्दुल शम्स, जिसका मायने यानी कि मतलब होता है कि ऐसा बंदा कि जो सूरज की पूजा करता है, यानी कि जो सूरज की इबादत करता है, सूरज के बंदे को अब्दुल शम्स कहा जाता है। इसलिए ये नाम इस्लाम में रखना हराम है। नंबर 2, गफूरुद्दीन। दोस्तों, दूसरा नाम है गफूरुद्दीन। ये नाम भी इस्लाम में रखना गलत है, क्योंकि गफूर का मतलब होता है मिटा देने वाला, और दीन का मतलब होता है दीन, यानी कि गफूरुद्दीन का मतलब होता है दीन को मिटाने वाला। इस लिहाज से ये नाम भी गलत है, इस नाम को भी आप ना रखें। नंबर 3, अब्दुल मा। दोस्तों, तीसरा नाम है अब्दुल मा, इसका मायने होता है पानी का बंदा, यानी कि पानी की पूजा करने वाला। इसलिए दोस्तों, ये नाम भी इस्लाम में रखना हराम है। नंबर 4,
सैयदुल खुल्क। दोस्तों चौथा नाम है सैयदुल खुल्क क्योंकि इस नाम का मायने होता है तख्लीकी दुनिया का सरदार, यानी कि इस दुनिया का सरदार। इस लिहाज से ये नाम भी गलत हो जाता है। नंबर 5 अब्दुल आकिब। दोस्तों पांचवा नाम है अब्दुल आकिब। दोस्तों इस नाम का मायने यानी कि मतलब होता है कि इसके बाद कोई भी नबी नहीं होगा, इसलिए ये नाम भी इस्लाम में रखना हराम है। नंबर 6 अब्दुल काबा। दोस्तों छठा नाम है अब्दुल काबा क्योंकि इस नाम का मायने यानी कि इस नाम का मतलब होता है काबा का बंदा। इस लिहाज से ये नाम भी गलत और हराम हो जाता है। नंबर 7 गयूर। दोस्तों सातवां नाम है गयूर क्योंकि गयूर का मतलब होता है हसद करने वाला, किसी के लिए अपने दिल में बुराई रखने वाला। इस लिहाज से ये नाम भी इस्लाम में गलत और नाजायज हो जाता है। नंबर 8 अब्दुल हजर। दोस्तों आठवां नाम है अब्दुल हजर या सिर्फ हजर क्योंकि इस नाम का मायने यानी कि मतलब होता है पत्थर की पूजा करने वाला, पत्थर की इबादत करने वाला। इस लिहाज से ये नाम भी हराम है। नंबर 9 मंतसा। दोस्तों आजकल बहुत से लोग इस नाम को भी रख रहे हैं मगर ये नाम भी इस्लाम में रखना गलत है क्योंकि इस नाम का मायने होता है जिसे चाहे, जिसको चाहे। नंबर 10 मालिकुल मल्क। दोस्तों ये नाम भी इस्लाम में रखना हराम और गलत है क्योंकि इसका मायने होता है हर शय का मालिक, और आपको मालूम है कि हर शय का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है। इस लिहाज से ये नाम भी रखना इस्लाम में गलत है। नंबर 11 अहमद नबी या फिर मोहम्मद नबी। दोस्तों 11वां नाम है अहमद नबी या मोहम्मद नबी या फिर नबी अहमद। ये नाम भी रखना इस्लाम में गलत और नाजायज है, बल्कि आप अपना या अपने बच्चे का इस तरह का नाम रखें जैसे गुलाम अहमद, गुलाम नबी या फिर गुलाम मुस्तफ़ा। तो प्यारे दोस्तों ये 11 नाम ऐसे हैं जो इस्लाम में रखना हराम और नाजायज है। आप इसके अलावा कोई भी अच्छा सा जिसका मायने अच्छा होता हो यानी कि मतलब अच्छा होता हो वो इस्लामिक नाम आप अपना या अपने बच्चे का रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में सवाब की नीयत से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अच्छी बातें सुनकर आगे पहुँचाना सदका जारिया है और इसका अजर अल्लाह तबारक मताला देगा। अगर आपके शेयर करने से किसी एक ने भी इन पर अमल कर लिया तो इसका सवाब आपको कयामत तक मिलता रहेगा और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी कामयाब हो जाएगा। हम फिर मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।